नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे मार्केट बाजार के बारे में। बाजार का अर्थ उस स्थान से लिया जाता है जहां वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से एक साथ एकत्रित होते हैं। बाजार का अर्थ उस स्थान से लिया जाता है जहां वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता बाजार का अर्थ उस स्थान से लिया जाता है जहां क्रेता और विक्रेता अर्थात बायर और सेलर क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से एक साथ एकत्रित होकर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय अर्थात परचेजिंग या सेलिंग क्रय या विक्रय करते हैं। जैसा कि अपन को पता है कि क्रेता और विक्रेताओं के बिना बाजार का होना संभव नहीं है। यहां क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से एक स्थान पर एक साथ एकत्रित होकर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। यानी किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु या सेवा, सेवा का मतलब 24 घंटे जो चलने वाली होती है उनका सेवाओं से तात्पर्य लिया जाता है। जैसे होटल सेवा, परिवहन सेवा, मोबाइल सेवा, इन सभी सेवाओं का लिया जाता है। किंतु अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा में क्रेताओं और विक्रेताओं का भौतिक रूप से एक स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। परिभाषा में क्रेता और विक्रेता का भौतिक रूप से एक साथ एकत्रित होना आवश्यक नहीं है। भौतिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आधुनिक अर्थात वर्तमान युग में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय टेलीफोन, मोबाइल अथवा अन्य संचार माध्यमों से भी संपन्न किया जा सकता है। व्यक्ति घर बैठे किसी भी वस्तु या सेवा को उपयोग करने हेतु बुक करा सकता है, मंगवा सकता है, किसी भी इच्छित जगह पर मंगवा सकता है। क्योंकि आधुनिक युग में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय
वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, सेवाओं का क्रय विक्रय मोबाइल अथवा संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से भी संपन्न किया जा सकता है। संचार के विभिन्न माध्यम वेबसाइट, इंटरनेट, टेलीफोन, फैक्स इत्यादि माध्यम के माध्यम से किसी भी वस्तु या सेवा को घर बैठे आप क्रय या विक्रय कर सकते हैं। सामान्यतः वस्तु के क्रय विक्रय में क्रेता और विक्रेता के मध्य सौदेबाजी का एक संघर्ष जारी रहता है। वस्तु के क्रय विक्रय में क्रेता और विक्रेता के मध्य सौदेबाजी का होना अति आवश्यक है और वस्तुओं का आदान प्रदान तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक क्रेता और विक्रेता दोनों कीमत स्वीकार करने को तैयार नहीं हो जाते हैं। एक कीमत स्वीकार करता है तो एक कीमत प्रदान करता है, अर्थात दोनों के मध्य कीमत का होना अति आवश्यक है। अब हम इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं लेते हैं। पहली परिभाषा लेते हैं प्रोफेसर बैनम के अनुसार, परिभाषा अर्थात डेफिनेशन। प्रोफेसर बैनम के अनुसार क्या कहते हैं प्रोफेसर बैनम, बाजार वह क्षेत्र है, बाजार वह क्षेत्र है जिसमें क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के इतने निकट होते हैं, या घनिष्ठ, होता है कि एक भाग में प्रचलित कीमतों का प्रभाव, दूसरे भाग में प्रचलित कीमतों पर पड़ता है, एक और परिभाषा लेते हैं स्टोनर तथा हेक के अनुसार, क्या कहते हैं स्टोनियर तथा हेग। अर्थशास्त्री बाजार का अर्थ एक ऐसे संगठन लेते हैं, अर्थशास्त्री बाजार का अर्थ एक ऐसे संगठन
से लेते हैं एक ऐसे संगठन से लेते हैं जिसमें किसी वस्तु के जिसमें किसी वस्तु के किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के निकट संपर्क में होते हैं, क्रेता और विक्रेता क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के निकट संपर्क में होते हैं। एक दूसरे के निकट संपर्क में होते हैं। अतः इन परिभाषाओं के आधार पर हम देखते हैं कि प्रोफेसर बैनम कहते हैं कि बाजार वह क्षेत्र है जिसमें क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के इतने निकट या घनिष्ठ होते हैं कि एक भाग में प्रचलित कीमत का प्रभाव दूसरे भाग में प्रचलित कीमत पर पड़ता रहता है। यानी क्रेता और विक्रेता का होना जरूरी है और निकट संपर्क में होना भी जरूरी है। सघन परिभाषा में एस्टोनियर तथा हेक के अनुसार अर्थशास्त्री बाजार का वह अर्थ एक ऐसे संगठन से लेते हैं जिसमें किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं। यानी दोनों परिभाषाओं के आधार पर हम देखते हैं क्रेता और विक्रेता का होना अति आवश्यक है और दोनों का निकट संपर्क में होना अति आवश्यक है। अर्थात सरल शब्दों में हम कह सकते हैं बाजार का आशय किसी स्थान से नहीं वरन उस समस्त क्षेत्र से होता है जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं। यानी बाजार वह क्षेत्र है जहां क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं। अर्थशास्त्र में बाजार ऐसे क्रेता और विक्रेताओं से संबंधित है जिनकी क्रियाएं वस्तु की उस कीमत को प्रभावित करती है जिस पर वस्तु बेची जा सकती है। अब हम बात करते हैं बाजार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम एक क्षेत्र। वन एरिया। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ किसी विशेष स्थान से नहीं होता बल्कि उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं और आपस में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा करते हैं। बाजार शब्द का अर्थ किसी विशेष स्थान से ना होकर उस समस्त क्षेत्र से है जहां क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं या क्रेता विक्रेता फैले होते हैं और आपस में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा करते हैं और आपस में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा करते हैं। सेकंड पॉइंट, क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति। क्रेता और विक्रेताओं की उपस्थिति।
मैंने पहले भी कहा था, जहां क्रेता और विक्रेता यदि नहीं हो तो वो क्षेत्र ही क्या या बाजार क्या। कोई भी क्षेत्र बाजार तभी कहलाता है जब उस क्षेत्र में क्रेता और विक्रेता दोनों ही उपस्थित हो। किसी भी बाजार में क्रेता और विक्रेता का उपस्थित होना अनिवार्य है, होना आवश्यक है या अनिवार्य है। इन दोनों में से एक के बिना होने पर वह क्षेत्र बाजार नहीं कहलाएगा। किसी एक के ना होने पर वह बाजार नहीं कहलाएगा। अर्थात दोनों का उपस्थित होना अति आवश्यक है। थर्ड पॉइंट, एक वस्तु वन कॉमोडिटी। अर्थशास्त्र में प्रत्येक वस्तु के लिए एक अलग बाजार होता है, जैसे कपड़ा बाजार, चीनी का बाजार, सराफा बाजार, गेहूं का बाजार इत्यादि। अर्थशास्त्र में प्रत्येक वस्तु के लिए एक बाजार होना आवश्यक है। यदि किसी वस्तु के लिए बाजार नहीं होगा तो स्वाभाविक बात है कि सकेवा क्षेत्र या जिस क्षेत्र में क्रेता और विक्रेता का भी उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा। अर्थात प्रत्येक वस्तु के लिए एक बाजार होना अति आवश्यक है, चाहे वह सेवा भी हो तो उसके लिए भी बाजार होना आवश्यक है, अन्यथा वह क्रेता और विक्रेताओं का संपर्क होना संभव नहीं है। फोर पॉइंट लेते हैं, वस्तु का एक मूल्य। वन प्राइस ऑफ कमोडिटी। बाजार में क्रेता और विक्रेता में प्रतिस्पर्धा पाए जाने के कारण समस्त क्षेत्र में एक वस्तु का एक ही मूल्य होता है। बाजार में क्रेता और विक्रेता के मध्य प्रतिस्पर्धा होने के कारण एक वस्तु का एक ही मूल्य होता है। अर्थात उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाजार में अर्थशास्त्र में बाजार का आशय किसी वस्तु के क्रेताओं और विक्रेताओं के ऐसे समूह की उपस्थिति से होता है जिसमें स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो तथा जिसके फलस्वरूप उस वस्तु की बाजार में एक ही कीमत हो। बाजार में क्या हो? एक ही कीमत हो। बाजार का वर्गीकरण हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता के आधार पर कर सकते हैं, जैसे बाजार को हम पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर, शून्य प्रतियोगिता अर्थात एकाधिकार के आधार पर, अपूर्ण प्रतियोगिता अर्थात एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्पाधिकार प्रतियोगिता के आधार पर विभाजित कर सकते हैं।